देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष अरुण हलदार दिनेशपुर पहुंचने पर बंगाली समाज के तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। दिनेशपुर खुदी राम बोस स्टेडियम पर बंगाली महासभा की ओर से आयोजित बंगाली महासम्मेलन में पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष दिनेशपुर पहुंचने पर महिलाओं के द्वारा पारंपरिक ढंग से उनका भव्य स्वागत किया गया। दिनेशपुर पहुंचने पर हलदार सर्वप्रथम पुलिन कुमार श्रीवास की विश्वास की प्रतिमा का माल्यार्पण कर महासम्मेलन स्थल पर पहुंचे। सरकार ने कार्यक्रम में पहुंचे जिले भर के अलावा पड़ोसी राज्य यूपी के सीमावर्ती जिले के बंगाली समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार ने कहा कि बंगाली समाज के अनुसूचित जाति जो उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश निवास करते हैं उन्हें अनुसूचित जाति से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया था। कहीं ना कहीं जो लोग इस पर भी कर रहे थे वह ढंग से इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब अति शीघ्र उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अनुसूचित जाति का पूर्व दर्जा मिलने वाला है। के आह्वान पे आज राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हलदार जी हम लोगों के मध्य में आए और जो वर्षों से मांग थी, आपने सुना कि कभी सेंटर में गवर्नमेंट किसी की होती थी, स्टेट में किसी की होती थी, तो एक आपस में सामंजस्य ना होने की वजह से बंगाली समाज को इतने साल संघर्ष करना पड़ा। पहली बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक होने की वजह से जो टेक्निकल कमियां थी उसको पूरा किया गया और इनके पास तक पहुंच चुका है। आज बंगाली महासभा के इस आह्वान पे जो हलदार जी आए और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि निश्चित ही बंगाली समाज के सम्मान में अनुसूचित जाति का दर्जा विभिन्न जातियों को मिलना चाहिए और हम बहुत जल्दी इसमें हम पॉजिटिव करेंगे। मैं इसके लिए क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं अरुण हलदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विधायक अटक हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है, माननीय सामाजिक न्याय दफ्तर का अंदर में वो मैंने कागज देखा है तो इमीडिएट ये काम हो जाएगा। उत्तराखंड का तो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उत्तराखंड जब डिविजन हो गया ना तो दोनों स्टेट का कुछ अलग अलग मैटर है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा अभी तक पारित नहीं हुआ तो वो भी अगर विधानसभा में पारित होने के बाद इसके सेंट्रल में होना मैंने बहुत इजी हो जाता है। मेन काम तो ही था, अगर वो हो गया मेरे पास पेपर आएगा तो जल्दी जल्दी करवा देंगे। और जिस आधिकारिक ने इसको रुक के रखा है कोई इंटेंशनली तो आधिकारिक को मैं चिन्हित कर लेंगे, वो तो मेरा काम है। बहुत बड़ी उम्मीद है जरूर करेंगे क्योंकि क्योंकि मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये मेरा सब्जेक्ट था। जब विचारता थी वो जब विचारक का भूमिका में जाता है तो लोगों को मन के उम्मीद और बढ़ जाता है, तो मैं इस सब्जेक्ट पे मैंने बहुत अच्छा सर जानता है, रिजल्ट से गहरे से जानता है, मेरे पास एक सब्जेक्ट आ गया तो मैं जल्दी से जल्दी इसका परिणाम निकाल। जो दिनेशपुर आगमन पर अरुण हलदार जी को आगमन पर जो हमने जो जानकारी दिए गए जो कि हमारे जो बहुत पुराने मांग थे जो अनुसूचित जाति का दर्जा देना चाहिए था लेकिन उन्होंने किसी कारण नहीं दे पाए, लेकिन आज हमने उनके सामने यही रखा कि आज जो हमारा मांग पूरा करे और इसी के लिए हमने उनको बुलाए थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाया और उन्होंने ये भी कह के कि मांग को पूरा करेंगे। धन्यवाद।